सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। घर का वैद्य सीरीज की इस श्रृंखला में आज बात करेंगे पुदीने के 10 चमत्कारी गुणों के बारे में। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल सारांश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें हमारे वीडियोस अपने मित्रों के साथ, ताकि उन्हें भी भरपूर लाभ मिल सके। दोस्तों, पुदीने का प्रयोग विभिन्न सब्जियों और चटनी बनाने में किया जाता है। इसमें अनेक लवण पाए जाते हैं जो शरीर को चुस्ती और फुर्ती प्रदान करते हैं। यह हमारे शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। गर्मी के दिनों में पुदीने द्वारा बनाया गया शरबत हमें लू से भी बचाता है। इसके अलावा इसमें कई रोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता है। आइए ले चलते हैं आपको खुशबूदार पुदीने की चमत्कारी दुनिया में। पुदीने के रस में जरा सा काला नमक और शक्कर मिलाकर पीने से शरीर को नई ऊर्जा प्रदान होती है। पुदीने की पत्तियों को पीसकर घाव तथा चोट पर लगाएं, शीघ्र ही लाभ अनुभव होगा। पुदीने के रस में जरा सा पानी मिलाकर लगाने से विभिन्न प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। रात्रि काल पुदीने की 2-4 पत्तियां चबाकर ऊपर से पानी पी लें, पेट के कीड़ों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। पुदीना, लहसुन, नमक और अदरक की चटनी पीसकर भोजन के साथ खाएं, भूख खुलकर लगेगी और अपच की समस्या भी दूर हो जाएगी। पुदीना काला नमक और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पीने से खांसी, जुकाम और बुखार में काफी लाभ मिलता है। पुदीने की 1-2 पत्तियां चबाकर खाने या पुदीने का रस पीने से हिचकियां आनी बंद हो जाती हैं। 1 बड़ा चम्मच दही और 1/2 चम्मच ओट मिल को 1 बड़े चम्मच पीसे हुए पुदीने की चटनी में मिलाएं। इसे चेहरे पर 10 मिनट के लिए लगा लें, उसके बाद चेहरा धो लें, ऑयली स्किन से छुटकारा मिल जाएगा। थोड़े से पुदीने के रस में नमक और पानी मिलाकर गर्म करें। इसके द्वारा गरारे या कुल्ला करने से आवाज साफ हो जाती है। सलाद के रूप में पुदीने की पत्तियों का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं तथा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दोस्तों, ये थे पुदीने के चमत्कारी गुण। आप भी इनका सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। हमारे चैनल सारांश पर बताए गए सभी प्रयोग आयुर्वेद के अनुसार और अजमाए हुए होते हैं। आप भी इनका लाभ उठाकर स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।